चावल अगर अगर आता भी है वो भी गायब होती। जो यहाँ पर स्ट्रिक्टनेस रही एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या सेंट्रल की तरफ से, उस चीज के लिए आज लोग वोट डालने के लिए निकल गए। मिलो जमींदारस कहीं जमींदारस फायदे कि सब्सिडी ूट दवा बाकी चीज तीन कहें बिजली फीस खोत सू वो अर्दा शेत अस फैसल्टी अगर अतन दिवन बेन लग भग ज्यादातर कर बाइकाट मगर यह टाइम बाइकाट कर यह टाइम जुल्म खिलाफ लड़ो क्या जुल्म बीजेपी जुल्म रोजगार के बारे में और बाकी डेवलपमेंट के बारे में अगर ग्राउंड लेवल पे हम देखेंगे तो ग्राउंड लेवल पे जीरो है। चाहे बीजेपी की सरकार सेंटर में चल रही थी, यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही थी जेएंडके में, सब लोगों के नज़रों में वो एडमिनिस्ट्रेशन जीरो पे रही। तो रहा सवाल दूसरा, जो कि आज ये पार्लियामेंट इलेक्शन है, पार्लियामेंट इलेक्शन में आज हम लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं वोट डालने के लिए। वोट हम इंशाल्लाह उस पार्टी को देंगे। इस वक्त लोगों की राय एक अलग राय है। गुलाम अहमद कुमार ठीक यू वो तक पी डी पी ओ एन सी ओ कर वाद दिमो कें खबर कूद वनिस तक मतलब आज ये ब्रोट रोजान पा करो हूँ पा नजरा दिवन इन वन पोटल कम वे लाल वो गो अ मतलब अगर वो त्रो ये गुना जाय कर गुना تل سیر دن کم پیٹرول پہ اکھ دہ روپیے لیٹر ہس پہ اکھ ہوں روپیے لیٹر مکلو سور تیل کنشل نیب نشان گو زری تر وری بروٹ گوبئی گوبئی زمیندار دوا کر مطلب سو دوا ناقص دوا ونکس کتنا اصل دوا باغی کم اجاڑ کھنا بے شک جناب علی یہ کور خدا پہ بدل سیزر تر باغن مجھ تم کریں گری مکلو یہ قسط وہ مسل کیا ترائی خلکو ووٹ یمس اللہ تعالیٰ دستار آس لوٹ سہ الحم گھن ہتس کتس یہ ووٹ تر گھن تر وار کر ووٹ تو امید تھی وہ امید اللہ تعالیٰ یمس این اگر نیکو کار اس نفر اگر سہ نیکو اگر سہ یتھ بات دان تیس یہ کر ترو تک وار کر ووٹ تو ویسے امید تہذی کہ اگر عمر عبداللہ آو سہ لیڈر اصل کت شاٹس مز یہ اگر عمر عبداللہ آو سہ لیڈر اصل ویسے ومید رائے اس ونکس چلان عمر عبداللہ نی ساری سی بیٹھ پانے تحسان مدعا اور مقصد ہمارا یہی ہے کہ جس ممبر کو ہم چننے جا رہے ہیں وہ واقعی میں لوگوں کے کام آنے چاہیے لاسٹ میں
हमारा मकसद यही है। और लोग जो उधर जो ये मैं पहले भी जिक्र कर रहा हूँ कि लोग आए थे यहाँ पे वोटिंग के लिए, लेकिन वो काम उनको होना चाहिए लास्ट में। बड़ा मसाइल यही है, खासकर हम रोज़गार की बात करें, यहाँ पर रोज़गार का मसला है, डेवलपमेंट का मसला है, और जितने भी बाकी यहाँ पर महंगाई का मसला है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों को पता है। आज या बाकी जो यहाँ पर स्ट्रिक्टनेस रही एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या सेंट्रल की तरफ से, उस चीज़ के लिए आज लोग वोट डालने के लिए निकल गए। इंशाल्लाह रिज़ल्ट ठीक ही रहेगा, आज बढ़ चढ़ कर लोगों ने हिस्सा लिया, तो इंशाल्लाह यहाँ पे जो हमने सोचा यहाँ हम अपनी ही सरकार इख्तदार में लाएंगे। मैंने जितनी बार भी वोट डाला है, मुझे आज तक गवर्नमेंट से कुछ नहीं मिला है। मैं सीधी सी बात कहता हूँ, जितनी बार भी मैंने कोशिश की अपने लिए, मैं हैंडीकैप्ड को बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत होती है, व्हीलचेयर की ज़रूरत होती है, ट्राइसाइकिल की ज़रूरत होती है, या मोटरसाइकिल की ज़रूरत होती है, तो मैंने 2008 से आज तक बहुत कोशिश की। हाँ, उससे पहले एक बार मुझे गवर्नमेंट की तरफ से मोटरसाइकिल मिला है, आज तो 8 साल हो गए, 8 साल तक मुझे किसी चीज़ का मदद नहीं मिला गवर्नमेंट से। आज आपने वोट डाला है तो क्या उम्मीद रहेगी अब आपकी? बस यही उम्मीद है गवर्नमेंट से, ताकि हमारे तमाम मसले मसाइल हल होने चाहिए। जितने भी मसाइल है हमारी सोसाइटी में, हमारे गांव में, जितने भी मसाइल हैं। वोट त्रम बहुस 65 वुहर एज मेन वनुकाम बहुत त्रम हर वक्त, मगर फायदा मिल न बिल्कुल सिफर। सुई गुलाम अहमद उस आज ब्रोट 70 वरी सुई छ आज त बिल्कुल अदा मिले फायदे चालाकन, बल्कि सजन तो सादन नहीं आम जमींदारन नहीं आम मिसकिन नहीं। अगर हटाई तम तक पानस, अगर नलक उस सू नू पानस पन्न वर्करन तक नकद पोस, बिल्कुल गामस आव ना फायदे, आम इंसानस आव ना फायदे।